क्विक सपोर्ट। और ये फ्रॉड कब से कर रहे हैं? करीबन 4-5 महीना से। Hey guys, good morning, मैं गौरव पुरा आकर फिर से नया व्लॉग लेके। अभी ना सुबह सुबह मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। सुबह के ऑलमोस्ट अभी 11 बज रहे हैं और मेरे फोन पे ना मेरे नंबर पे, जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस फोन पे मेरे पास एक टेक्स्ट आया कि मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से बोल रहा हूँ, और व्हाट्सएप टेक्स्ट आया और मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ कि ये टेक्स्ट है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से बोल रहा हूँ और आज रात को 8 बजे ना आप लोगों की लाइट ऑफ होने वाली है क्योंकि आपका बिल अपडेट नहीं है, पेड नहीं है, ऐसा नहीं बोला, बिल आपका अपडेटेड नहीं है तो आप इसको अपडेट करा दो। और उसके लिए एक नंबर दिया, जिस नंबर से टेक्स्ट आया वो नंबर अलग है और जिस नंबर पे कॉल करना है वो नंबर अलग है। और जिस नंबर से टेक्स्ट आया अगर मैं उसको चेक करता हूँ ना तो मैं वो भी दिखाता हूँ, वो कुछ कॉस्मेटिक के नाम से किसी दुकान वुकान का आ रहा है। और जिस नंबर पे कॉल करना है ना उस पर मैंने अभी कॉल करता हूँ तो गारंटीड ये फ्रॉड केस है। मैंने ना एक दूसरा फोन लिया है, मैं उसके थ्रू फोन करता हूँ। भैया से देखो, मैं रहता हूँ दिल्ली NCR में, ठीक है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस बंगाल में है। मतलब ये देख रहे हो, ये बंगाली में बोला, जहाँ का आपका नंबर होता है आपको उस लैंग्वेज में बोलते हैं। और सी मेरे पास ना अब क्या टेक्स्ट आया है, पहली बात तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस बंगाल में, मुझे पता नहीं है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि यहाँ के बिल पेड करने वाले बंगाल जाएंगे। दूसरा, मेरे पास उस बंदे से टेक्स्ट आया है आई कॉल यू लेटर, ठीक है, सी यहाँ पे लिखा हुआ है आई कॉल यू लेटर, ये नंबर मैं हाइड कर दूंगा, तो मैं वेट करता हूँ कॉल का और देखते हैं इसका कॉल कब आता है। हेलो, सर एक्चुअली मेरे को ना अभी एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आया है कि मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये पेड नहीं है तो आज इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, तो सर ये तो इशू हो जाएगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर राकेश शुक्ला बात करूँ सर। तो मैं बताना चाहता हूँ लास्ट टाइम जो बिल जमा तो किए थे सर। हाँ जी, ये आपने कहाँ से किए थे? ऑनलाइन पे किए थे या ऑफिस में जाके? सर ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन किए थे, अभी तक कंज्यूमर नंबर बता सकते सर? CA नंबर सर ये तो अभी मतलब मेरे फोन में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सर मैंने ऑनलाइन पेटीएम ऐप से किया था और पेटीएम ऐप से मेरे पास मैसेज वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से भी मैसेज आ गया था कि आपका बिल पे हो गया है। मेरा बिल था लगभग 6-7 हज़ार का था शायद से कुछ ऐसा, और आ गया था मैसेज वगैरह। तो अभी अपना पेटीएम में जाके चेक कर लीजिए सर, यहां वहां पर CA नंबर का चेक हो जाएगा। अपना पेटीएम को ओपन कीजिए और आपका CA नंबर जो बिल नंबर होता है सर वहां पर चेक हो जाएगा। सर मेरे को स्लिप ढूंढनी पड़ेगी या तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, या आप पे आप चेक करके बताए, अगर पे करना है तो मैं पे कर देता हूँ, एक्स्ट्रा होगा तो एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, प्रदान कर दूँ ना। हेलो, हाँ जी, आप लाइन पर रुकिए सर, ठीक है? हाँ जी ठीक है सर। अब ये महाराज ना मेरा बिल पे करवाएंगे, मैंने जानबूझ के बोला कि आप ले लो, अब देखना है। हेलो, हाँ जी सर। तो जो आपने पेटीएम से जो पेमेंट की, तो पेटीएम वायर जो आपने ब्लॉक कर दिया था, आपका एक पैन कार्ड से तो पेटीएम आपका रजिस्टर था राइट सर? हाँ बिल्कुल सर, रजिस्टर था जी। तो आपका जो पेटीएम अभी आपका ब्लॉक कर दिया गया है ना? हाँ जी। ओके, तो इसके रिगार्डिंग सर आपका पेटीएम से अपडेट नहीं ले पा रहे सर, ठीक है ना? अच्छा, प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से करना है। आप ये अपलाइन पर आपके मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए क्विक सपोर्ट, मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। अच्छा ठीक है सर, करता हूँ। क्या ऐप का नाम क्या है? क्विक सपोर्ट, मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए क्विक सपोर्ट सर। क्विक सपोर्ट, हाँ हाँ सर, क्विक सपोर्ट के नाम से ये टीम व्यूअर आ रहा है। हाँ, दूसरे एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, अभी आपका अपडेट कर दे रहा है, ठीक है? अच्छा, टीम व्यूअर से अपडेट हो जाएगा बिल जी सर। सर टीम व्यूअर तो उसके लिए होता है ना, स्क्रीन शेयर करने के लिए होता है ये तो? बिल्कुल सर, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से आपसे कनेक्ट किया जाएगा ना। अच्छा, इसके थ्रू? हाँ जी। तो इसके थ्रू कैसे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब आप यहाँ से वहाँ से मेरा फोन चलाएंगे फिर बिल पे करेंगे? नहीं, आपको 1 रुपए तो बिल पे करने के लिए नहीं बोलेंगे सर, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है ना? अच्छा अच्छा जी सर, इसके थ्रू हो तो जाएगा ना, दिक्कत तो नहीं आएगी कोई? ठीक है सर। हाँ सर, ये इंस्टॉल हो रहा है, 2 मिनट रुकिए। अगर मैं ऑफिस आ जाऊँ तो आप मिल जाएंगे? अभी जो आपका बिल जो सर, आप इसको अपडेट या फिर कर दे रहे थे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं सर वैसे पूछ रहा हूँ, यहाँ कहाँ बैठते हैं? लक्ष्मीनगर। लक्ष्मीनगर दिल्ली? हाँ जी। और ये फ्रॉड कब से कर रहे हैं? करीबन 4-5 महीना से। अच्छा, ये फ्रॉड 4-5 महीने से चल रहा है? हाँ। तो ऐसे कितने लोगों के पैसे ऐठे हैं? हम लोग नहीं कमा पाते हैं सर, 70,000 कमाते हैं बस। तो किसके लिए करते हो ये फ्रॉड? अपने लिए, किसके लिए?
अच्छा, ऐसे अच्छा लगता है आपको किसी का पैसा मार के, या क्यों करते हो? सॉरी अब नहीं करेंगे, मत करा करो, ये गलत बात है। मैं आपसे कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे करना ठीक नहीं है। तो बेटर है कि ये चीजें मत करो। सलाह दे रहे हैं क्योंकि ये सब गलत बात है, ठीक है ना? और मुझको भी पता है कि चोरी जो है वो गलत है। चलो, पता है तो अच्छी बात है, लेकिन पता होते हुए भी आप कर रहे हो, ये सही नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक। ये चीज अच्छी लगेगी, भाई ने ना खुद ही फ्रॉड एक्सेप्ट कर लिया जब मैंने कहा ये फ्रॉड करते हो आप लोग। तो भाई कहता 4-5 महीने से कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको पता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, तब भी कर रहा है। तो यार, अगर ऐसा कोई मैसेज आता है ना, बिल वगैरह कुछ का भी, तो कभी कुछ रिप्लाई वगैरह मत दिया करो, ये चीज सही नहीं है। कभी कुछ भी हो सकता है, कभी कोई रिप्लाई मत करो। अभी ये मेरे से टीम व्यूअर डाउनलोड करा रहा था, टीम व्यूअर डाउनलोड करा के फिर मेरे से कहता है स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर कराने के बाद ये पूरा एक्सेस अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ लेता है। ऑल्दो मैंने दूसरा फोन यूज करा था, इस फोन से कहीं कुछ बिल कुछ कनेक्ट है ही नहीं, तो भी वो कहता हाँ जी सर आपका बिल आ रहा है। ऐसे कैसे आ रहा है भैया, इस फोन पे अकाउंट ही नहीं है तो कैसे आ सकता है? खैर जो भी है, बाय। की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बी विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस एंड हैप्पी दिवाली गाइस। दिवाली आ रही है तो दिवाली के लिए भाई हैप्पी दिवाली।